तो हम देख रहे हैं वहां ये सारे रिजल्ट्स हैं, अमेरिका के 25% घर ऐसे हैं, 1/4, 25% यानी कि 3 crore 30 lakh ऐसे घर हैं जिसके अंदर एक सिंगल मदर अपने बच्चों के साथ सारे घर के अखराजात, बच्चों की अपब्रिंगिंग भी कर रही है क्योंकि बाप तो छोड़ के जा चुका है, बच्चों को संभाल रही है, बच्चों के अखराजात संभाल रही है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस संभाल रही है, उनका इमोशनल, उन्हें साइकोलॉजिकल, उन्हें फिजिकल, हर एतबार से वो माँ बाप का भी रोल प्ले कर रही है और उन सब की जिम्मेदारी संभाल रही है क्योंकि बाप तो जा चुका है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये चीज शुरू कहां से हुई थी और खत्म कहां हुई। इट्स अ डबल बर्डन, इट्स अ डबल बर्डन, उसे सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और हम देखते हैं कि औरतों को बाय नेचर इमोशनल बनाया गया है जो अपब्रिंगिंग के लिए बहुत जरूरी है, और वो इमोशनल उसका नेचर जो है वो उसको वहां वो जिम्मेदारी भी अदा करनी है, आउट ऑफ हाउस की जिम्मेदारी भी उसे ही अदा करनी है। तो हम